हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले दो प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट से कैसे हम अपने बाइक में माइनर स्क्रैचेस रिमूव कर सकते हैं और फिर कैसे उसको पेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट है, एक रबिंग कंपाउंड है और एक आपका सिरामिक कोटिंग है। तो ये दो प्रोडक्ट है, मेरे एक फ्रेंड ने परचेज़ किया ये दो प्रोडक्ट और उसने अपने बाइक पर अप्लाई किया है। तो आज वो प्रोडक्ट को हम रिव्यू करेंगे और यूज़ करके देखेंगे कि कैसे उसका स्क्रैचेस रिमूव होता है कि नहीं होता है, कितना शाइन आता है पेंट में और पेंट प्रोटेक्शन कितना मिलता है। तो बहुत सस्ते में आप ये कर सकते हैं, बहुत ही चीप प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, आप भी देखिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप भी वो ले सकते हैं और अपने बाइक पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने पुराने बाइक पे फिर से वही पेंट पे शाइन ला सकते हैं और फिर उसको पेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उस पे अच्छा से देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और देखिए क्या क्या हमने किया है। हाय गाइस, ये आप देख सकते हैं मेरी RR310 है। ये 2019 स्लिपर क्लच मॉडल वाली RR310 है। इसको लगभग 3 साल होने को आ गया है। बेसिकली आज इस पे हम लोग डिटेलिंग एंड कंपाउंडिंग का काम करेंगे एंड एक न्यू प्रोडक्ट का इस पे एप्लीकेशन करेंगे, वो है सेरामिक कोटिंग फ्रॉम टर्टल वैक्स। सो इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेलिंग करके एंड इसके जितने भी स्वेल मार्क्स हैं, जितने भी काइंड ऑफ स्क्रैचेस आफ्टर द ईयर्स डेवलप हुए हैं, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्वेल मार्क्स एंड स्क्रैचेस फ्रॉम राइडिंग इन द हाईवेज ये डेवलप होते हैं। यहाँ पे भी आपके फ्रंट फेंडर्स में जहाँ जहाँ स्टोन चिपिंग्स फ्रॉम हाईवेज आपका बाइक को पेंट डैमेज कर सकती है। एंड मैंने इस पे पहले PPF वगैरह या सेरामिक कोटिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, बिकॉज़ आई वाज वेरी न्यू टू द बाइक एंड मेरे लिए ये सब चीज़ नई थी। सो अभी मेरे को लग रहा है कि यार 3 साल हो गया है, अब तो बाइक को कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस। सबसे पहले हम करेंगे इस पे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से हम क्या करेंगे, इसके स्क्रैचेस एंड जितने भी काइंड ऑफ स्वेल मार्क्स है उसको हम रिमूव करेंगे एंड उसके बाद इस पे हम करेंगे सेरामिक कोटिंग। आने वाला है इसको कैसे रबिंग करना है, पेंट के स्क्रैचेस मिटाना है और फिर इसको कैसे एक सिरामिक कोटिंग प्लेस करना है। तो पहला हम लोग करने वाले हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वैक्स पॉल का रबिंग कंपाउंड। तो इससे क्या होगा कि रब करने के बाद आपका जितना भी वो स्क्रैचेज होते हैं गाड़ी पे वो मिट जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एक लेयर अप्लाई कर देंगे सिरामिक कोटिंग का, तो उससे पेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले इसको आप अपने RTR पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको रब करेंगे, उसके बाद देखेंगे पेंट में कितना ग्लॉस आया। अभी ये पूरा फेडेड है पेंट, इस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद रब करके फिर चेक करते हैं कैसा है। पहले ऐसे लगाना है, उसके बाद इसको अप्लाई करके यहाँ पे छोड़ देना है। छोटा सा पैच पे कर रहे हैं शो करने के लिए। ऐसे लगा के उसके बाद थोड़ा पानी स्प्रे करना होगा इसके ऊपर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको एक कपड़े से इसको हल्का हल्का राउंड राउंड करके इसको रब करना होगा। उसके बाद थोड़ा और इस पे अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके पानी डाल के, उसके बाद इसको हल्का हल्का 2 या 3 बार इसको यही सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, थोड़ा पानी डालना है। उसके बाद इसको फिर से सर्कुलर मूवमेंट में इसको रब करना है। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसको पानी लगा के इसको अच्छे से पोंछ देंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
शाइन वापस आ गया है, पहले ऐसा शाइन नहीं था, यह वापस आ गया, आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट। तो ये सेम पूरा बाइक पे अप्लाई करके फिर इसके ऊपर सेरामिक कोटिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेम चीज़ हमने RR 310 पे भी अप्लाई किया है और उस पर सेरामिक कोटिंग किया है। तो बाइक वहाँ खड़ी है, इसके आपको शॉट्स दिखाएंगे और रिजल्ट दिखाएंगे कैसा आया है। हाँ, तो अभी हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं टर्टल वैक्स का सिरामिक कोटिंग स्प्रे। तो ये अमेज़ॉन से मंगाया था और दोनों प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये स्प्रे रहता है, तो इसको लगाने के बाद आपका एक लेयर बन जाता है सिरामिक कोटिंग के जैसा। तो ये है वो प्रोडक्ट, तो ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया था, सुसंकेत ने मंगाया था, उनका ही बाइक है, उस पर ही अप्लाई किया था हमने। तो ये ऑलरेडी RR 310 पे कंपाउंडिंग का काम हो चुका है, उसके बाद इसको दो लेयर लगाएंगे। दो लेयर लगाने के बाद चेक करेंगे कि इसमें कैसा इफेक्ट आ रहा है और गाड़ी कितना शाइन हो रहा है और कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अब हम इस पे सिरामिक स्प्रे अप्लाई करेंगे। ये है टर्टल वैक्स का हाइब्रिड सॉल्यूशन सिरामिक स्प्रे। ये 9H एंड अदर सिरामिक स्प्रे के जितना तो हार्ड एफिशिएंट नहीं हो सकता, मतलब आपके पूरे गाड़ी का जैसे स्क्रैचेस रिमूव कर देना एंड लाइक स्क्रैच नहीं लाना, वो उतना एफिशिएंट तो नहीं है, बट हाँ कुछ लिमिट तक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ द वाटर वेडिंग इफेक्ट। सो इस पे पैनल में बस वन स्प्रे एट वन पैनल, ज़्यादा स्प्रे भी इसका बिल्कुल मत करिएगा। इस पे वन स्प्रे एट वन पैनल एंड एक सॉफ्ट जेंटल हैंड से आप पूरे पैनल में उसको रब कर दीजिए ताकि ये पूरे पैनल तक इजीली अप्लाई हो जाए। एंड कोशिश करिए जिस पार्ट ऑफ माइक्रोफाइबर से आप अप्लाई कर रहे हो उस पार्ट से आप इसको रब ना करें, बस अप्लाई करें। नाउ ये आप डायरेक्ट सनलाइट पे अप्लाई कर सकते हैं एंड लेट इट ड्राई फॉर अबाउट अ मिनट और टू। तो हम लोग दो मिनट के बाद वापस आके इस चीज़ को स्क्रब कर रहे हैं एंड स्क्रबिंग में थोड़ा सा आपको हार्ड हैंड यूज़ करना है ताकि जितना ये है वो पूरा सूख के एंड जो बाकी का पार्ट है वो निकल जाए। टेल पे हम लोग पिलियन बैठाते हैं, बैग्स बैठाते हैं, तो ऑब्वियसली टेल पे जितना स्क्रैच आ सकता है, टैंक पे जितना स्क्रैच आ सकता है आपके बॉडी पैनल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टेल ऑफ द बाइक। एंड आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर पार्किंग में सब आपकी फ्रंट की बाइक अच्छे से देखते देखते आपकी टेल में देखेंगे बहुत स्क्रैच है। सो ऑब्वियसली दिस थिंग शुड बी कवर्ड। तो RR 310 पे दूसरा कोट अप्लाई हो गया है टर्टल वैक्स का, तो अभी इसका वाटर वेडिंग इफेक्ट देखते हैं कैसा है। यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार, देखिए इजीली आपका पूरा पानी नीचे स्लिप होकर चला जा रहा है, पानी यहाँ रुक नहीं रहा है। तो सही आया है दो सेकंड एप्लीकेशन के बाद, क्या शाइन आ रहा देखिए, मुझे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त शाइन आ रहा। तो चलिए इसका सिनेमेटिक्स दिखाते हैं अब आपको। Perfect.